एक लड़की को किडनैप कर लिया जाता है। इसमें से जो एक किडनैपर था और लड़की को जानता था, और ये मूवी काफ़ी ट्विस्ट और संटेस रहते हैं। हेलो फ्रेंड, आज हम आपको किडनैपिंग स्टेला 2019 हॉलीवुड मूवी, एक जर्मन मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में अलग अलग ट्विस्ट आते हैं। ये मूवी आपको आखिरी तक बेंच पे रखे रहेगी। मूवी की शुरुआत में अपने मेन कैरेक्टर जिसका नाम है टॉम देखते हैं। एक और मेन कैरेक्टर नाम है उसका विक। दोनों आपस में फ्रेंड होते हैं। उन लोग दोनों प्लानिंग करते हैं कि वो दोनों एक लड़की को किडनैप करेंगे और एक रूम को सजाते हैं, उसे साउंडहीन बनाते हैं, और वह जंगल में जाके एक पेड़ लाते हैं और उसमें उससे बेड बनाते हैं, और उसमें अलग अलग जैसे गन बंदूक रखते हैं, और एक लड़की को किडनैपिंग करने के लिए जाते हैं। उस लड़की का नाम स्टेला होता है, और तभी और लड़की के ऊपर चादर डाल के उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे काफ़ी मारते पीटते हैं। और नेक्स्ट में हम जो देखते हैं कि जो उन लोग बेड बनाए उसी रूम में उसे बांध के रख देते हैं और उसे पूरी तरह बांध के और उसका कपड़ा उतार देते हैं और उसकी गंदी गंदी फ़ोटो ले लेते हैं, और तभी हम देखते हैं कि उससे कपड़ा दूसरा पहना देते हैं, उसे काफ़ी ब्लैक करने लगते हैं, और तभी हम देखते हैं कि दोनों दोस्त आपस में मिलकर उसके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी करते हैं लड़की के साथ, उससे ज़बरदस्ती करते हैं और उसको काफ़ी टॉर्चर करते हैं। तभी उसमें से एक किडनैपर काफ़ी ख़तरनाक होता है क्योंकि उसको किडनैपिंग के काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस। तभी एक किडनैपर काफ़ी हल्के में होता है जिसका नाम टॉम है, और एक जो काफ़ी ख़तरनाक है उसका नाम बिग है। बिग जो कि पुराना ख़तरनाक, जो दोनों ये जगह मिले थे, और वो लोग दोनों प्लानिंग कर किडनैपिंग। तभी उसकी फ़ोटो वहाँ पे ले लेता है और सोचता है कि उसके फादर को, बिग सोचता है उसके फादर को किडनैपिंग के बारे में ईमेल कर दिया जाए। तभी वह देखते हैं कि यहाँ पे बिग आया हुआ है, और तभी किडनैपिंग के बारे में उसके फादर को ईमेल करने के बारे में सोचता है, और तभी उससे उसके पास जाते हैं जिसका नाम, लड़की का नाम स्टेला होता है। वो दोनों बात करते हैं, कहते हैं तो अपने फादर का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दो। तभी वो स्टेला अपने फादर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देती है और उससे कांटेक्ट करने के बारे में बताते। तभी उसे पानी पीना था, और तभी देखते हैं कि उसे कहते हैं कि चिल्लाना, तब भी वो चिल्ला देती है, और इसी के कारण बिक उसकी मुँह में हाँ पानी डालता है और कहता है। तो तभी उसे बताता है कि एक नंबर दो नंबर जो करना है उसे अंगुली से करके बताना है तुम्हें। तभी उसे दो नंबर करना होता है, और वह सब दोनों के सामने ही दो नंबर करती है, लेकिन उसको बेड पे करना। इस बात से काफ़ी नर्वस हो जाता है टॉम। टॉम को अच्छा नहीं लगता है। इस बात को बिग भी समझ जाता है। बिग को लगता है कि टॉम काफ़ी नर्वस है। तभी वह खाना नहीं खा रहा है, तभी उसके मुंह में खाना डाल देता है और उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाता है बिग। और तभी देखते हैं कि बिग को समझाता है टॉम को, तुम्हें इतना नर्वस नहीं होना चाहिए, जो हम लोग कर रहे हैं उसको सक्सेसफुली उससे वादा करने को बोलता है। कहते हैं हम लोग जो कर रहे हैं उसमें सफलता हमें मिलनी चाहिए हर एक हालत में, चाहे जो हो जाए, यही दोहराता है टॉम। तभी हम देखते हैं कि स्टेला का इमेजेस देख कर टॉम को काफ़ी अच्छा नहीं लगता क्योंकि बिग काफ़ी उसे टॉर्चर कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टेला पुक करना चाहती है, लेकिन यहाँ पे टॉम उसके ऊपर गन ताने हुआ होता है। तभी स्टेला कहती है कि तुम उस टाइम मुँह कर बेचारी उसके सामने पुक कैसे कर सकती है। तभी इसे देखते हैं बैकेट उठा के टॉम के सर पे मार देती। टॉम इसके कारण बेहोश हो जाता है, उसकी गन ले लेते हैं और उसे अपने इशारे पर नचाने लगती है और उससे की मांगने लगती है। तभी हम देखते हैं कि हाथापाई होने लगता है। तभी यहाँ देखते हैं कि उससे ब्लड यहाँ पे वो गन चालू कर देती है और चल जाता है, बुलेट लेकर जाते हैं। तभी वहाँ पे टॉम बच जाता है और तभी उसका नकाब लिखा जाए, तभी वह जान जाती है कि तो मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी वह बताती है कि तुम जब से जेल में गए हो तभी से इतना दिक्कत है और तुम तो काफ़ी बेकार हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टेला को टॉम बांध देता है और उससे कहता है कि तुम मेरी ज़िंदगी में, मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था और तुम्हें इसीलिए मैंने किडनैपिंग करवा दिया। तभी यहाँ देखते हैं बिग आया हुआ है और टॉम काफ़ी नर्वस है।
और तभी हम देखते हैं टॉम टॉम काफ़ी परेशान रहता है और वह नर्वस रहता है। इस बात से बिग को कुछ अजीब अजीब लगता है। तभी वह दोनों जाते हैं स्टेला के पास। स्टेला की खोल देते हैं और वहाँ पे देखते हैं हटकरी खोल देते हैं और तभी उससे पूछते हैं तुम्हारे फादर कब तक आएंगे। तभी वो कहते हैं कि आज तुम्हारे फादर को लाइव स्ट्रीमिंग दिखाएंगे और तुम्हारा अंगुली काट के दिखाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि उसकी अंगुली काटने वाला वीडियो यहाँ पे बन रहा होता है और अंगुली कटते कटते बच गया। इसमें टॉम ने बचा ले, कहते बेचारी को काफ़ी दर्द हो रहा है, जाने दे अंगुली काटने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी अच्छा बन गया है, हम लोग को टेंशन लेने की बात नहीं है। तभी वह स्टेला को बचा लेता है और टॉम काफ़ी नर्वस रहने लगता है और तभी स्टेला उससे काफ़ी घूर कर देखने लगती है टॉम को। तभी बिग उसे खाना खिला रहा होता है, तभी स्टेला कहती नहीं मैं उससे खाऊंगी, उसका मतलब टॉम था। तभी देखते हैं कि वहाँ पे बुलेट पड़ी हुई होती है। इस बात को टॉम नोट करता है और स्टेला भी। तभी वह की के बहाने वहाँ पे बुलेट उठा लेता है और जल्दी झटके में उठा लेता है और तभी यहाँ पे बिग को पता भी नहीं चलता, लेकिन वह काफ़ी नर्वस रहने लगता है टॉम। इस बात से बिग को काफ़ी हैरानी होती है। तभी टॉम को बिग कहता है तुम मेरे साथ कुछ धोखाबाजी नहीं। तभी देखते हैं वह टॉयलेट में जाता है और उसे फ्रेश करने लगता है बुलेट को, लेकिन बुलेट फ्रेश होने के नाम ही नहीं लेते। और यहाँ पर देखते हैं कि बिग को शंका होने लगता है, वो टॉयलेट में अंदर आ जाता है। तभी उसके डर से वह वहाँ पे अंदर ले लेता है। तभी हम देखते हैं साउंड, तभी वहाँ पे बताती है कि स्टेला को मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाले हूँ क्योंकि मैं तुम तभी टॉम से पूछती है कि तुम मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो। टॉम कहता है कि मैं काफ़ी तुमसे गुस्सा था इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ और मैं तुमसे इसलिए नहीं मिलने आई क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे की परछाई तुम पे ना पड़े। और इस बात को टॉम को वो एग्री नहीं कर रहा होता है कि मेरी बच्चों की माँ बनने वाली है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टॉम को काफ़ी हट करता है स्टेला से, कहता है मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करूंगा। लेकिन टॉम के दिल में तो स्टेला के लिए प्यार रहता ही है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं काफ़ी नर्वस होता है टॉम। तभी हम देखते हैं कि टॉम उसे मोबाइल दे देता है और सोचता है कि उसकी मोबाइल के बारे में सभी कुछ देख, लेकिन उसे लगता है कि मोबाइल चालू किया तो पुलिस को लोकेशन मालूम पड़ जाएगी। तभी उसके हटकड़ी खोल देता है, आज स्टेला को उल्टी हो रहा है। तभी वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटीमेट होते हुए स्टेला अपने आप को बचा लेती है और तभी इंटीमेट पहले उसे कटाक सिक्का चटकनी लगा देती है। और तभी देखते हैं कि उसे लगता है कि नहीं मिल रही है। तभी उसको रिलाइज होता है कि टॉम के पास कहीं तो नहीं की है। तभी हम देखते हैं कि वो पुलिस को कॉल कर देती है, लेकिन यहाँ पे उसके पास की ने उसे लोकेशन बेचारी को नहीं मालूम था। तभी हम देखते हैं कि वो आ जाती है और की लेने के लिए। तभी टॉम का हटकड़ी धीरे धीरे खुल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे टॉम नखड़ा कर रहा है। तभी उसके पास जाते ही टॉम झटका में सिटकनी खोल के उसके मुंह पे एक पंच मारता है और उससे स्टेला बेहोश हो जाती है। तभी स्टेला को बांध देता है और वह अपना सारा काम तमाम करके तभी वहाँ देखते हैं कि बिग आया हुआ है और बिग सोचता है कि आज काफ़ी शांति है। तभी वह बताता है कि स्टेला के फादर मान चुके हैं पैसा देने के लिए, मैंने लोकेशन इंडिकेट किया है और वह पैसा वहाँ पे मिल जाएगा, हम लोग काम कर चुके हैं, हम लोग को सफलता ज़रूर मिल। तभी वह स्टेला के पास आते हैं, स्टेला के पास बिग देखता है मोबाइल है और वो टेंशन में हो जाता है। तभी उसमें देखता है कि 100 नंबर फ़ोन लगा है, मतलब कि पुलिस के पास फ़ोन लगाया गया है, उसे पता चल जाता है। अब इसी से चक्कर में वो समझ जाता है कि एक ही शर्त पे स्टेला के पास मोबाइल आ सकता है। इसमें टॉम धोखेबाजी करता भी उसे काफ़ी टार्चर करता है टॉम बिग, और तभी उसे बुलेट की एक चिन्ह मिल जाए जहाँ पर शूट की होती है स्टेला। तभी वो समझ जाता है टॉम धोखेबाजी करता। तभी हम देखते हैं कि
टॉम एक कार लेने गया है और स्टेला के प्रेगनेंसी का फाइल उसे मिल जाता है। उसे पता चल जाता है कि स्टेला एक गर्भवती है और वह बच्चों की मेरी माँ बनने वाली है और उससे काफ़ी हर्ट होता है और वह काफ़ी वरी करता भी। स्टेला सारा चीज़ टॉम के बारे में बिग को बता देती है और बिग जान जाता है इन दोनों के बारे में और वह काफ़ी जान जाता है और देखता है कि टॉम काफ़ी नर्वस होता है और बिग कहता है कि आज स्टेला को हम लोग को ठिकाने लगाना है, आज पैसे लेने भी जाना है। तभी देखते हैं कि बिग उसके हाँ में हाँ मिलाए रहता है और वह कहता है कि हाँ हम लोग ज़रूर जाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि दोनों एक लोकेशन पर जाके वहाँ पे स्टेला को वहीं पर रख देते हैं और स्टेला को पूरी तरह बांध देते हैं और स्टेला को कहते हैं कि तुम्हें एक की देने वाला था लेकिन हम लोग प्लानिंग में चेंजिंग कर देते हैं और वह उसे की नहीं देता है, उसे ऐसे ही पड़े रहने कहता है कि अब की स्टेला के पास नहीं हमारे पास रहेगा क्योंकि हम लोग तभी हम देख रहे हैं एक अलग लोकेशन पर। इस पे टॉम पूछता है हम लोग यहाँ पे थोड़ी पैसा मिलेगा। तभी वहाँ पर बिग काफ़ी उस टॉम से गुस्सा हो जाता है और टॉम को कहता है कि तुमने तो मेरे साथ धोखेबाजी की, हम लोग को हॉनेस्ट रहना काफ़ी ज़रूरी है लेकिन तुमने तो बताया ही नहीं कुछ, तुम्हें बता देना चाहिए, मैंने मौका दिया था। लेकिन वहाँ पे देखते हैं कि टॉम उसे हट करके सोचता है कि भाग जाऊँ लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि टॉम और उसमें काफ़ी फाइट होती है लेकिन यहाँ पे टॉम भागने लगता है, उसे बुलेट से एक गोली मार देता है अभी और टॉम का घायल हो जाता है लेकिन वह जान छुड़ा के वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं अलग लोकेशन पे बिग पैसा लेने के लिए जाता है और पैसा लेके चला आता है। तभी हम देखते हैं कि वह स्टेला को एक मेडिसिन देने वाला था जिससे उसे धीरे धीरे मौत हो जाए, उसे पता भी न चले। लेकिन यहाँ पर स्टीन देते समय तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है, टॉम उसे एक हथौड़ा मारता है, तभी उसके पास गन होती है, उसे इंडिकेट करने लगता है और उसे नचाने लगता है और तभी एक गोली और दे देता है, मार देता है। तभी समझ में आ जाता है कि तभी फाइनल गोली मारने वाला, तभी वहाँ पे स्टेला उसे लंगी मार देती है और गिर जाता है। उसके पास टॉम के पास वहाँ पे गन आ जाता है, टॉम उसे शूट कर देता है और टॉम वहाँ पे बेहोश हो जाता है लेकिन की उसके पास नहीं। तभी वहाँ पे टॉम काफ़ी स्ट्रगल करता है और की उसे बिग के पास से निकाल के स्टेला को दे देता है और इसी के साथ टॉम वहाँ पे मर जाता है। तभी स्टेला जाती है अपने कार में बैठती है तो उसे पैसा मिलता है और वह उसके फादर के साथ उसका जमता नहीं था, उसके फादर ने उसे बचाने के लिए $2 million दे दिया था और वह जानती थी मेरे फादर से। तभी इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।